स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। हम लोगों ने 11th क्लास का ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ डिस्कस भी हुआ था, एक लेक्चर हुआ था उस पे। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग उसे देखे होइएगा, समझे होइएगा और उसका फायदा आपको नजर आया होगा। हम लोग फिर दूसरे लेक्चर के साथ मैं उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी प्रिपेयर हैं इस लेक्चर के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर वहीं से जहाँ से छोड़ के हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन उस आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे हैं 11th के ऑर्गेनिक का, उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग रिमाइंड कर ले, एक बार रिकैप कर ले उसको, ताकि जो भी हम लोग उसके आगे पढ़ें वह ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो वाइटल फोर्स थ्योरी में यह बताया गया था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वह नेचुरल सोर्स के द्वारा प्राप्त होता है और जीवित जीव से प्राप्त होता है। जैसे उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। फिर डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, हम लोगों ने देखा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वह क्यों फेल्योर हो गया, क्यों उसको हटा दिया गया, क्यों इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया गया। तो उसका रीजन ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह इनऑर्गेनिक के द्वारा भी बताया जा सकता है। जैसे फ्रेडरिक होलर साहब ने जो है वह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जिसका नाम यूरिया है। तो यहां जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी था वह क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, वह वहां से हट गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसके बाद हम लोगों को देखना है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद आइसोमेरिज्म पे जाना है, देन लास्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखना है। ठीक है, तो क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने देख लिया था, अब हमें देखना है कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला क्या है ये हम लोग थोड़ा इस पे नजर डालेंगे कि कंडेंस फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये सी था अपने पास कंडेंस फॉर्मूला। क्या था अपने पास स्टूडेंट, कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ऐसा फॉर्मूला जो एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाता हो, उसे हमने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर हमने देखा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो अणु में उपस्थित परमाणुओं के सजावट के बारे में बताता हो, उसे हमने क्या बोल रखा था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। अब जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट जो है वह कंडेंस फॉर्मूला, यानी वैसा फॉर्मूला जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को और सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्मूला। यानी इसको ऐसे हम लोग लिख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास यह एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक गणित सूत्र है, सी थ्री और एच एट। क्या है, सी थ्री एच एट, इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है स्टूडेंट, प्रोपेन। बिल्कुल इनिशियल से हमने स्टार्ट किया है, या कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है बोलिए, इसका नाम है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको शॉर्ट में हमने क्या बोला था, एमएफ, क्या बोला था, एमएफ। अब इसका अगर हम लोग निकालते हैं, इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, क्या बनाया जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो वह कुछ ऐसे बन जाएगा सी एच एच एच, फिर आ जाएगा सी एच एच, और फिर आ जाएगा अपने पास सी एच एच और एच। ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम है यहां पे अपने पास, आठ, और यहां भी कितने हाइड्रोजन है, आठ, यानी एच 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 और एच, टोटल कितने हाइड्रोजन एटम आ गए अपने पास, आठ। देख पा रहे हैं आप लोग, तो देखिए यह हो गया अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उससे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका नाम क्या लिख दिया जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हमने शॉर्ट में क्या लिख लिया, एसएफ, क्या लिख लिया, एसएफ। अब हमें देखना है कि इसका कंडेंस फॉर्मूला अब क्या होगा, यानी वैसा सूत्र जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को और सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करता है और साधारण तरीका से दर्शाता है, तो उसे बोला जाता है कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कंडेंस फॉर्मूला। अब देखते हैं कंडेंस फॉर्मूला इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है यहां तक, यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ ये लास्ट, मतलब दिख रहा है लास्ट वहीं का, इधर नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूं, अब हम लोग इसका ड्रॉ कर रहे हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो एक और फॉर्मूला के द्वारा हम इसको ऐसे बता सकते हैं, CH3 CH2 और यहां पे आ जाए CH3, तो इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्मूला, जिसको बोला जाए CF, क्या बोल दिया जाए, C। यानी एक एग्जांपल के द्वारा हमने बता दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और क्या आ गया अपने पास, कंडेंस फॉर्मूला। यानी अगर हमें डेफिनेशन देना है तो हम कैसे दे सकते हैं, यानी वैसा सूत्र जो संरचना सूत्र को, जो संरचना सूत्र को और अधिक साधारण तरीके से, साधारण तरीके से दर्शाता है तो उसे कंडेंस फॉर्मूला कहा जाता है।
ठीक है, या इसका डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं, इसका डेफिनेशन इसे हम लिख सकते हैं। तो क्या है, एक एग्जांपल लीजिए और उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बता सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूला भी बता सकते हैं। जैसे मेरा है अपने पास पहला एग्जांपल, यह है अपने पास पहला एग्जांपल, मैंने क्या पहला एग्जांपल में लिया है प्रोपेन, ठीक है, इसे राइट डाउन किया जाए, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए हमारे पास है एग्जांपल नंबर दो, C4H10, क्या है C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन, क्या नाम है ब्यूटेन, ठीक है, यह इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका आप बना सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आप इसको बनाइएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर नेक्स्ट आपको इसको बना लेना है कंडेंस फॉर्मूला, हो जाएगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा, आसान है। फिर आप तीसरा एग्जांपल में बना लीजिएगा, तीसरा एग्जांपल में आप बना लीजिएगा C5H12, इसका क्या है यह पेंटेन, पेंटेन। फिर आप नंबर चार में बना लीजिएगा C6H6, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है, बन जाएगा, आसान है। अब यहां पे हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पहला देखा था लेविस स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला में पहला हमारे पास आया स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड जो है वह हमारे पास आया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और थर्ड में हमारे पास आया, थर्ड और लास्ट आया कंडेंस फॉर्मूला। अब हम लोग एक और इसमें चीज देखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्या देखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन नोटेशन या इसको एक और नाम से बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, चाहे हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, चाहे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, या चाहे हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला,
उन सारी चीजों को लाइन के द्वारा इंडिकेट कर देना, लाइन के द्वारा दर्शा देना ही क्या कहलाता है हमारे पास, बॉन्ड लाइन नोटिस। क्या कहलाता है? बॉन्ड लाइन नोटिस या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है या बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है या बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है। अब मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास है एन हेक्सेन। क्या है? एन हेक्सेन। एन हेक्सेन जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन एग्जाम्पल के तौर पे एन हेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन। अब इसको हमको दिखाना है कि हम इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा कैसे बता सकते हैं या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा हम इसे कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको कि कैसे बताएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखा जाए? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखा जाए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर इसका हम लोग लिखते हैं, इसका लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसका लिखते हैं हम लोग कंडेंस फॉर्मूला CF, और फिर इसका लिखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, इन शॉर्ट में तो हमारे पास एन हेक्सेन का क्या फॉर्मूला है? एन हेक्सेन मतलब क्या? नॉर्मल हेक्सेन, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C6 और H14, यही होगा C6 और H14। ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मल हेक्सेन। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C 2 3 5 H H H H H H H H, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। यह हमारे पास आ गया एन हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? एन हेक्सेन का। अब हमें इसका बनाना है कंडेंस फॉर्मूला, तो कंडेंस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसका CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हो गया? 4 CH2, और लास्ट में आ जाएगा CH3। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हम यहां पे नीचे देख लेते हैं। वह हमारे पास क्या हो गया? कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला।
अब हमें इसका देखना है बॉन्ड लाइन नोटिस। क्या देखना है स्टूडेंट? बॉन्ड लाइन नोटेशन, BL और N। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यहां पे काउंट करना है कार्बन। क्या काउंट करना है? कार्बन। और कार्बन को देख के हमें लाइन से इंडिकेट कर देना है। देखिए कार्बन नंबर एक, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एक लाइन आ गया, फिर दो से तीन, तीन कार्बन आ गए, फिर चौथा कार्बन, ये चौथा कार्बन आ गया, फिर ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन, यानी टोटल हमारे पास कार्बन कितने आ गए? छह। तो यह इसका क्या हो गया? बॉन्ड लाइन नोटिस। क्या हो गया स्टूडेंट? बॉन्ड लाइन नोटिस। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेके हमें समझते हैं। इसका हमारे पास जो है वह डेफिनेशन क्या आ सकता है, हम इससे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंट बाई अ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंट बाई अ लाइन देन दिस स्ट्रक्चर या देन दैट स्ट्रक्चर देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक लाइन के द्वारा बताया जा सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा भी, मान लीजिए हमारे पास है एन हेक्सेन। क्या है? एन हेक्सेन। ठीक है, तो एन हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? सिक्स। कितने कार्बन इसमें उपस्थित रहते हैं? छह। और इसका आपको क्या बनाना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, चाहे वह कंडेंस स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर हो, कोई भी एक ड्रॉ कर लीजिए, उससे आप लाइन के द्वारा बता दीजिए। जैसे मान लीजिए अपने पास है C6H14 या क्या है अपने पास एन हेक्सेन, इसका हमें बनाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक दो तीन चार
पांच और या एक छह। पूछा है बात समझ में? यानी मान लीजिए छह कार्बन है एन हेक्सेन के अंदर, तो एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है, एक यहां पे है, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? सिक्स। और उस पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? फोर्टीन। कितने आ जाएंगे? फोर्टीन। तो यह बन गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बन गया अपने पास? बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, आ रहे बात समझ में कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? डेफिनेशन को लिख लिया जाए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और देते हैं और देखते हैं इस पे, बाकी इसका होमवर्क रहेगा आपके लिए, उसको बना के लाना है आपको। दूसरा जो एग्जांपल है अपने पास, मान लीजिए हमारे पास C6H6 क्या है, C6H6, ये अपने पास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हमने बोल दिया MF। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। इसका आप बना सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2। ठीक है, या अपने पास क्या हो गया? कंडेंस फॉर्मूला। क्या हो गया? कंडेंस फॉर्मूला CF। अब इसके द्वारा आपको बताना है इसका लाइन स्ट्रक्चर। क्या बताना है? लाइन स्ट्रक्चर। C6H14 का लाइन स्ट्रक्चर, इसका भी नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अभी हम लोगों ने देखा था एन हेक्सेन, दूसरा एग्जांपल हम लोगों के पास है साइक्लोहेक्सेन, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया कंडेंस स्ट्रक्चर। अब इसका बनाना है हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बनाने हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहां पे कार्बन यहां है, यहां पे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर थर्ड जो है वह मान लीजिए हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन यानी CH2, ठीक है। इसका या क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन का कंडेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया? कंडेंस फॉर्मूला। इससे हमें बनाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बन जाएगा, आसान है। तो होमवर्क के लिए मैं एक दो क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं जो आपको बना के लाने हैं, कोई हार्ड नहीं है, आसान है। अब देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल जो आपके आपके लिए होमवर्क रहेगा। HW के रूप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर
ऑफ ड्रॉ द बाउंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ड्रॉ द बाउंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स ड्रॉ द बाउंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला इसमें क्वेश्चन है आपके पास, एक में है एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, दो में है साइक्लोब्यूटेन, तीन में है एन पेंटेन, पेंटेन मतलब प्रेजेंस ऑफ फाइव कार्बन, चार में है साइक्लोपेंटेन, बन जाएगा आसान है ये सब क्वेश्चन, इसको आपको बना के लाना है। चार में है, पांच में बेंजीन, ठीक है बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले इन सब में किसी एक का कंडेंस फॉर्मूला ड्राइव कीजिए ड्रॉ कीजिए, और फिर कंडेंस फॉर्मूला ड्रॉ करने के बाद उसका आप क्या बता दीजिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे वह मॉलिकुलर फॉर्मूला हो, चाहे वह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, चाहे वह कंडेंस फॉर्मूला हो, आप उसको क्या कर लो, सबसे पहले ड्रॉ कर लो, और फिर उस ड्रॉ करने के बाद आप उसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, ये आगे बढ़े हम लोग, आ रहा है बात समझ में। चलिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। पहला हम लोगों को था इंट्रोडक्शन, और दूसरा हमारे पास था स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण यानी कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे यह क्लासिफिकेशन किया गया है कि
उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है इलेवेंथ में, इलेवेंथ में तो कमी आता है लेकिन इसका ज्यादा यूज है हमारे ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे, अच्छा से समझना है इसको। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वह दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट में। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पोर्शन जो है वह है असाइक्लिक, असाइक्लिक और ओपन चैन, असाइक्लिक और ओपन चैन, या इसको बोला जाता है एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। और दूसरा क्लास जो है इसको बोला जाता है साइक्लिक, साइक्लिक और क्लोज्ड साइक्लिक ठीक है। सबसे पहले कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया? दो पार्ट में, ए साइक्लिक और ओपन चैन कंपाउंड, या इसको एक और नाम दिया जाता है एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। फिर दूसरा क्लास जो है इसका वह है साइक्लिक और क्लोज चैन कंपाउंड, फिर अगेन जो है अगेन एलिफैटिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला होता है ब्रांच चैन कंपाउंड, स्ट्रेट चैन कंपाउंड, स्ट्रेट चैन कंपाउंड, और दूसरा होता है ब्रांच चैन कंपाउंड, ठीक है। क्या आवाज आ रहा है? पहला है स्ट्रेट चैन कंपाउंड और दूसरा है ब्रांच चैन कंपाउंड। फिर जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है उसका मैं क्लासिफिकेशन यहां कर रहा हूं, इसका नाम दे दिया जाए ए, इसका नाम दे दिया जाए बी, ठीक है। यह हो गया अपने पास एक नंबर और यह हो गया दो नंबर, ठीक है। फिर जो हमारे पास क्लोज साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, और क्लोज्ड चैन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज्ड चैन कंपाउंड, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था डी,
इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है फिर से, और पहला पोर्शन जो है, पहला पोर्शन वह कहलाता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा कहलाता है हेटरोसाइक्लिक, हेटरोसाइक्लिक। ठीक है, फिर होमोसाइक्लिक को पुनः दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में, वह है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, अब एरोमेटिक को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेंजीनॉइड, दिखाई दे रहा है यहां पे, दिखाई दे रहा है बेंजीनॉइड, और सेकंड वन इज नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, तो ये अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बढ़िया से समझा रहा हूं, देखा जाए असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, तो यह जो अपने पास असाइक्लिक है, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है वह किसी प्रकार का साइकिल नहीं पाया जाता है, यानी इसमें जो भी बात किया जाएगा वह चेन के बारे में बात किया जाएगा, चाहे वह ब्रांच चेन हो चाहे वह स्ट्रेट चेन। तो इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहेंगे वह एक चेन के रूप में उपस्थित रहेंगे, वह एक क्रम के रूप में उपस्थित रहेंगे। लेकिन जस्ट लाइक दैट साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन रहेंगे हमारे पास वह एक साइकिल के रूप में उपस्थित रहेंगे, वह एक रिंग के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब इसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट चेन, यानी इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहेगा वह एक स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ा रहेगा, लेकिन इसके जो दूसरे पार्ट है ब्रांच चेन कंपाउंड, इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहेगा वह एक ब्रांच के रूप में उपस्थित रहेगा, एक शाखा के रूप में उपस्थित रहेगा। अब हम बात करते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन के रूप में, तो हमारे पास आता है होमोसाइक्लिक। क्या आता है? होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जो है इसमें ऐसे साइकिल आएंगे जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित हो, कोई दूसरा एटम इसमें उपस्थित नहीं रहेगा, या केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना रहेगा, या ऐसा साइकिल रहेगा। लेकिन हेटरोसाइक्लिक यह एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी एटम आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मर्केप्टम इत्यादि उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक का हम देख रहे हैं कि दो और पार्ट किया गया है, पहला है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या है? तो जो हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना है, और जो एलिफैटिक नेचर का है। कैसा नेचर का है? एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं है, अर्थात जो हकल रूल का पालन नहीं करता है, उसे बोलते हैं हम एलिसाइक्लिक। जस्ट लाइक दैट एरोमेटिक, यानी जो हकल रूल के पालन करते हैं और जिसमें साइकिल तो है, लेकिन साइकिल कैसा है? अनसेचुरेटेड है। अब देखिए, एरोमेटिक हमारे पास दो टाइप का आ जाता है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, यानी जो बेंजीन रिंग हो और जो बेंजीन रिंग नहीं हो। जैसे बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। ठीक है, बेंजीन, नेप्थलीन और क्या, एंथ्रासीन। लेकिन इसमें हमारे पास आता है ट्रोपोलोन। तो इन सारे चीजों को हम एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसाइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड, ये में हम देखते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड, अब जैसे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिस कंपाउंड के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो और सभी के सभी एक चैन के रूप में उपस्थित हो, एक रिंग के रूप में उपस्थित नहीं, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एलिफैटिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है? एलिफैटिक कंपाउंड, यानी ऑल हाइड्रोकार्बन। क्या लिख सकते हैं हम? ऑल हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ चैन, ऑल हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ऑल हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ चैन आइदर आइदर स्ट्रेट आइदर स्ट्रेट और हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ चैन आइदर स्ट्रेट आइदर स्ट्रेट और चैन ब्रांच। ठीक है, यानी जो भी हाइड्रोकार्बन रहेगा वह चैन के रूप में उपस्थित रहेगा, चाहे वह चैन स्ट्रेट हो यानी सीधा हो या उसमें ब्रांच आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? एलिफैटिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा? एलिफैटिक कंपाउंड। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसका हिंदी में भी लिखा जाए क्या, देख लिया जाए थोड़ा सा। यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जो कि चैन के रूप में या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो चैन के रूप में चैन के रूप में उपस्थित हो, चैन के रूप में उपस्थित हो, चाहे वह एक सीध हो, चाहे वह एक सीध हो या साकित हो। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। इसका नाम क्या है? एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। यानी सभी के सभी हाइड्रोकार्बन जो है एक चैन के रूप में तो है, लेकिन वो कैसे एक सीध है, एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? एन ब्यूटेन। अब मान लीजिए सपोज दैट या कुछ ऐसा हो जाए CH3 और यहाँ पे आ जाए अपने पास CH3, तो
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। अब देखिए इसमें ब्रांच आ गया क्या, आ गया ब्रांच, तो यह एक स्ट्रेट चैन का उदाहरण है और यह एक ब्रांच चैन का उदाहरण। लेकिन दोनों के दोनों कैसे, किसके एग्जांपल हैं? दोनों के दोनों क्या है, एलिफेटिक। क्या है स्टूडेंट? एलिफेटिक। तो आज के इस वीडियो को इतना ही पे स्टॉप किया जाए, टाइम हो चुका है। इस जो भी लेक्चर हो रहा है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने बुक को भी पढ़िए, जो मैं प्रॉब्लम यहाँ अराइज कर रहा हूँ उसको आप बना के लाइए। अगर आपसे नहीं बन रहा है, आप उसपे एफर्ट लगा रहे हैं उस पर, तो कमेंट द्वारा आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक बार से फिर से डिस्कस कर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।